मधील तमाम हिंदूंच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही माझी आहे असं औरंगाबादचे नवनिर्वाचित खासदार इम्तियाज जलील यांनी स्पष्ट केलं आहे. ते एका पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते. मी केवळ मुस्लिमांचा खासदार नाही तर सर्व धर्मियांचा खासदार आहे असं म्हणत जलील यांनी मुस्लिम खासदार म्हणून टीका करणाऱ्यांवर ताशेरे ओढलेत. शिवसेनेचा गड मानला जाणाऱ्या औरंगाबाद मतदारसंघातून वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार इम्तियाज जलील हे खासदार म्हणून निवडून आले. शिवसेनेच्या पराभवानंतर ते पुन्हा एकदा हिंदूंच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करत आहेत. मात्र हे चुकीचं आहे. त्यांच्याकडे दुसरा मुद्दाच राहिलेला नाही असं जलील यांनी म्हटलं आहे. निवडणूक निकालानंतर अफवा पसरवून शहराची शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पोलिसांनी संबंधितांवर कडक कारवाई करावी अशी देखील मागणी त्यांनी केली आहे. देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि ये सही बात है कि औरंगाबाद शहर में शिवसेना पिछले कई सालों से सत्ता में है. यहाँ पर अब इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है, 4-5 महीने बचे हुए हैं कि विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है. अब वो क्या मुद्दा पेश करेंगे कि हम विकास करने वाले हैं, हम विकास के बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं. तब उनके पास यही एक मुद्दा रहेगा कि जो मुद्दे को ही शुरुआत हमारे पूर्व खासदार साहब, हमारे सेना के बड़े बड़े नेता जो है उन्होंने शुरू कर दिए हैं. एक डर का और एक भ्रम का एक माहौल तैयार करना, उनके स्टेटमेंट्स ये बात बता रहे हैं कि आम्ही हिंदूंची सुरक्षा करणार, हिंदूंची सुरक्षा करणार, आम्ही हिंदूंची सुरक्षा आता धोक्यात आलेली आहे. ये जो बात बार बार की जा रही है, मैं मेरे हिंदू भाइयों बहनों से ये अपील करना चाहूँगा कि अब मैं शहर का MP हूँ, ज़िले का MP हूँ, आपकी सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है. तो किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. जो बार बार है तो ये कह रहे हैं कि अतामी करना, तैसे तमी तो हे करना, रहते करना, उनकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है और हम किसी तरह से करेंगे. और आपको किसी की भी सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास इस देश के अंदर एक सिस्टम है, पुलिस काय के लिए बैठी हुई है, पुलिस यही काम करने के लिए बैठी है. और जब पुलिस को शहर का खासदार कह रहा है कि साहब मेरी पार्टी का भी क्यों ना रहो, मेरा कार्यकर्ता भी क्यों ना रहो, अगर गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है. मैंने औरंगाबाद शहर के अंदर पुलिस कमिश्नर साहब को ये बताया है, ये जो गलत धंधे जो चल रहे हैं, बेगमपुरा इलाके के अंदर वहाँ के कांग्रेस का कॉरपोरेटर है तो वहाँ पर क्लब चलाता है, बेगमपुरा पुलिस को है तो हफ्ते देता है, इतना बड़ा ताकतवर बन गया है कि उसको लगता है कि मेरा पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती है करके. मैंने मेरे चुन के आने के जिस दिन भड़कल गेट के ऊपर से मैंने भाषण किया, उसी दिन भाषण के अंदर मैंने ये बोला कि गुटखा जब पुलिस वाले बंद नहीं कर रहे थे तो मैंने जाके बंद किया.